नमस्ते दोस्तों, जेएस टेक चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका ऑस्ट्रेलियन दोस्त हरजीत सिंह चौहान। आइए तो दोस्तों, आखिरकार कंप्यूटर की वैकेंसी निकल ली गई है। तो जिस तरह से आप देख रहे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, तो जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी का काफ़ी समय से लंबा इंतजार चल रहा था। लगभग ये कवायद 2016 से चल रही थी, जो धीरे धीरे 2019 में आके इसको थोड़ा सा मूर्त रूप दिया गया। थोड़ी सी मैं इसकी हिस्ट्री बता देना चाहता हूँ क्या रहा। 2019 में फिर अस्थायी पदों के लिए बात हुई थी, फिर 2020 में थोड़ा इसमें और कुछ कोर्ट में वगैरह केस गया, सारी चीजें हुई, फिर अब फाइनली 2022 के अंदर इन्होंने वैकेंसी दोस्तों निकाल चुके हैं। तो इस वैकेंसी को हम डिटेल में देखने वाले हैं, जो बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर और सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर क्या है इसके बारे में डिटेल्स आइए मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। तो अंत तक देखिए आप वीडियो को, ताकि सारी नॉलेज आप इसमें ले सके। चलिए शुरू करते हैं अपन जेएसटेक चैनल के अंदर। दोस्तों मैं बता दूं, सबसे पहले हम इलेक्ट्रिसिटी, कंप्यूटर रीजनिंग, मैथमेटिक्स, जीके और मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियो हम डालते रहते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए वहां से। आइए मैं आपको बता देता हूँ राजस्थान का जो बेसिक और सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है उसकी कंप्लीट डिटेल हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो वैकेंसी की डिटेल दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि वैकेंसी आपके इसमें क्या रहने वाली है। तो फर्स्ट मैं बता दूं बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की दोस्तों, नॉन टीएसपी में 8974 पद है दोस्तों इसके, और टीएसपी में 8888 और टोटल 9862 पोस्ट रहने वाली है। इसके अलावा सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की दोस्तों हम बात करें तो 282 तो टोटल नॉन टीएसपी के पद रहेंगे और 13 टीएसपी के पद रहेंगे और 295 टोटल पोस्ट रहेगी दोस्तों इसमें। अब बात कर लेते हैं टोटल पोस्ट की, तो 9256 तो दोस्तों नॉन टीएसपी के लिए है और 901 दोस्तों टीएसपी के लिए। टोटल कुल मिला के 10157 पद इसमें आपके लिए ये आगे से आए हैं दोस्तों अपन जो भी सरकार ने निकाले। अब हम देख लेते हैं आगे की डिटेल। आगे की डिटेल दोस्तों, एप्लीकेशन प्रोसेस आपको कैसे, क्या फॉर्म वगैरह भरना, सारी चीजें कहाँ जाना है आपको। तो एक दोस्तों, अगर आपके एस एस ओ आई डी नहीं बनी हुई है तो आप वो बना ले, क्योंकि एस एस ओ आई डी इसके लिए जरूरी होती है। उससे आप लॉग इन करके जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसके रिक्रूटमेंट पोर्टल में जाके, ये वेबसाइट है rsmssb.rajasthan.gov.in, यहाँ पे जाके आप दोस्तों अप्लाई कर पाएंगे दोस्तों। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो तो जनरली आप नहीं कर पाएंगे, तो कोई भी कैश या ई मित्र से आप अप्लाई करवा सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, कंप्यूटर वाले हैं तो खुद ही कर लेंगे ज्यादातर, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं अपन, राजस्थान बेसिक एंड कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर दोस्तों, इसमें अपन एप्लीकेशन फीस की अपन बात करें दोस्तों, तो जनरल और ओबीसी क्रीमी लेयर वालों के लिए 450 रुपए रहने वाली है। नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी वगैरह ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 350 रुपए रहने वाला है और एससी एसटी के लिए दोस्तों 250 रुपए रहने वाला है। और दोस्तों इसकी ज्यादा जानकारी के लिए कितने क्या छूट वगैरह इसमें रिलैक्सेशन है, तो आप ऑफिशियल रिक्रूटमेंट में उसमें देख सकते हैं दोस्तों पीडीएफ, जो मैं इसमें आपके अटैच कर दूंगा फाइनली। अब हम देखते हैं आगे की डिटेल, सैलरी दोस्तों आपको कितने मिलने वाली है दोस्तों इसमें। तो देखिए दोस्तों, इसमें कंप्यूटर सीनियर इंस्ट्रक्टर जिसमें पे लेवल 10 मैट्रिक्स रहेगा दोस्तों, 33,800 रुपए दोस्तों इसमें रहेगी। ग्रेड पे क्या निर्धारित रहता है उसके अकॉर्डिंग ये आपके और बढ़ती जाएगी आगे से आगे। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की, इसकी पे मैट्रिक्स लेवल दोस्तों 8 रहेगी, सॉरी यहाँ पे 10 लिखना आ गया, 8 रहेगी दोस्तों बेसिक वालों की। अप्रोक्स इसमें सैलरी 26,300 रुपए रहेगी दोस्तों। ये कैसे क्या रहेगी, ये भी इसमें बढ़ती जाएगी आपके लिए। ग्रेड पे वो क्या लगाते हैं, 2400 देते हैं, 2800 देते हैं या 3600 देते हैं, ये एक देखने वाली बात रहेगी। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, इसमें फिक्स रिम्यूनरेशन मतलब आपको प्रोबेशन पीरियड तक फिक्स में रुपए दिए जाएंगे, 11,300 है या 17,000 है या जो भी है 22,000 है, वो आपको फिक्स में मिलेंगे 2 साल तक। जैसे 2 साल की आप ट्रेनिंग पूरी कर लेंगे उसके बाद में जितने भी आपके भत्ते हैं, अलाउंसेस हैं, आपके जो भी आपका पैसा बनता है एक्स्ट्रा में करके, वो सारा आपको 2 साल के बाद में आपको दे दिया जाएगा। ये तो हो गई दोस्तों सैलरी की बात। तो सैलरी के बाद में हम देख लेते हैं दोस्तों एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है दोस्तों, आप कैसे इसके लिए क्वालिफाइड रहेंगे। अब अपन सीनियर इंस्ट्रक्टर की बात कर लेते हैं, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर। तो दोस्तों इसके थोड़े दिन पहले न्यूज आई थी कि इसको कंप्यूटर डी को कंप्यूटर विंग के अंदर ले लिया गया, नया ग्रुप डिजाइन किया गया दोस्तों, ग्रुप डी के अंदर इसका नया नाम दिया गया। तो अब इसमें आप जाने वाले हैं, तो सीनियर वाले में देख दो एमई मास्टर इन इंजीनियरिंग, इसके अलावा एमटेक, इसके अलावा इन कंप्यूटर साइंस के अंदर दोस्तों आईटी के अंदर या इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन ईसी या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इसके अंदर दोस्तों मास्टर डिग्री होनी चाहिए तो आप इसमें जा सकते हैं। तो इसके अलावा इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, सारी बातें इसमें।
इसके अलावा अगर आपने एमएससी कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कर रखा है या मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन एमसीए या बी या सी लेवल या आपने कर रखा है या इसके अलावा कोई हाईएस्ट डिग्री है जो इसके इक्वलेंट है तो आप इसमें भर सकते हैं। इसके अलावा देवनागरी लिपि के अंदर आपका व्यवहारिक ज्ञान और राजस्थान संस्कृति का ज्ञान होना दोस्तों बहुत जरूरी बात है। ये तो हो गई दोस्तों सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए ये बात है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए। तो बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए दोस्तों वही है कि आपके ए लेवल या पीजीडीसी मिनिमम एक साल का दोस्तों होना चाहिए। इसके अलावा बैचलर इंजीनियरिंग की आप जिस भी स्ट्रीम में कर रखे हो, चाहे आप ये टेक्नोलॉजी में हो, कंप्यूटर साइंस में हो, ये आईटी के अंदर हो, या इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन के अंदर हो, या ईसीई के अंदर हो, या आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर हो दोस्तों, या आप दोस्तों इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर हो, या आप ईटीसी कंट्रोल वाली इंजीनियरिंग के अंदर हो दोस्तों, इसके अलावा आप दोस्तों किसी में भी हो। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बीएससी इन कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपने कर रखी है तो भी आप बढ़ सकते हैं। इसके अलावा बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन बीसीए अगर आपने कर रखा हो और तो इसके अलावा अगर इक्विवेलेंट कोई आपकी डिग्री है कंप्यूटर की तो आप इसमें पढ़ सकते हैं दोस्तों। अब मैं आपको यहाँ पे एक स्पेशल बात बता देना चाहता हूँ दोस्तों क्या रहने वाली है। दोस्तों अगर हम बात करें तो जो वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक है ऐसे अभ्यर्थी जो आवेदन कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों वो क्या उसके शैक्षणिक योग्यता के अंतिम वर्ष में है, मतलब आपका फाइनल ईयर चल रहा है दोनों में आप जिसमें भी आवेदन करना चाह रहे हैं, परंतु उन्हें भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता की जो परीक्षा तिथि है ना, जो एग्जाम डेट है, उससे पहले आपको ये करनी पड़ेगी। मतलब आपका जो फाइनल ईयर वो खत्म हो रहा हो दोस्तों एग्जाम से पहले, नहीं तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों ये इस बात का आप ध्यान रखें कि जो रनिंग है वो भी दोस्तों इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बात यह है कि जो एग्जाम डेट है उससे पहले वो आपका ईयर खत्म हो रहा हो, इस बात का आप ध्यान रखें। तो ये स्पेशल बहुत सारे कमेंट करके पूछते हैं तो उनके लिए मेरी ये महत्वपूर्ण बात है उनके लिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अपन। अब बात कर ले दोस्तों एज लिमिट की। तो एज लिमिट यहाँ पे क्या मांगा है दोस्तों, आपके जो दोस्तों है ना 1 जनवरी 2023 तक आप मिनिमम 18 साल के और मैक्सिमम 40 साल के हो। इसके अलावा अगर आपको कोई छूट वगैरह देखनी हो तो जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ रखा है उसमें देख सकते हैं, हर वर्ग के लिए 5 साल 10 साल की छूट आराम से। तो दोस्तों कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे आप डिटेल में जाके देख लीजिए और कोई क्वेरी हो तो जरूर मुझे लिखें आप। आगे बढ़े थे दोस्तों पेंशन स्कीम। अब दोस्तों इसमें पेंशन स्कीम का मेरे को ये बताना था कि अगर आप लग रहे हैं तो सारी चीजें जरूर जाने दोस्तों। जो नए भर्ती होने वाले कर्मचारी हैं उनको नियमानुसार अंशदायी पेंशनर योजना लागू होगी, मतलब पेंशन आपको मिलने वाली है। अगर आप सेलेक्ट होके आप नौकरी करते हैं 10-15-20 साल जितना भी आपका टाइम रहता है उसके बाद में आपको पेंशन भी मिलेगी दोस्तों इसमें। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं मैरिज एनरोलमेंट। दोस्तों विवाह पंजीयन का होना अनिवार्य है और संबंधित प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट आपके पास में दोस्तों होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें दोस्तों, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। और आगे बढ़ जाते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स। एप्लीकेशन दोस्तों आपके स्टार्ट हो रही है 8 फरवरी 2022 से, मतलब वैलेंटाइन वीक शुरू हो रहा है और इधर आपकी ये वैकेंसी शुरू हो रही है। अब हम बात करें दोस्तों एप्लीकेशन इसकी दोस्तों खत्म होने वाली है 9/3, मतलब मार्च के महीने में 9 तारीख को रात की 12:01 से पहले ये वैकेंसी चलेगी, यहाँ तक आप फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों आप मेरा ये मानना है कि आप पहले दिन से फॉर्म भर दें ताकि बाद में ऐसा नहीं हो सर्वर की दिक्कत आए और बहुत सारी दिक्कतें आती है आपको फेस करनी पड़े। अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं एग्जाम डेट। तो एग्जाम डेट दोस्तों इसके संभावित है मई और जून के अंदर दोस्तों आपके एग्जाम इसमें करवाए जा सकते हैं अगर सारी स्थिति ठीक रहती है तो। आगे हम बात कर लेते हैं डिस्क्वालिफिकेशन के रूल। दोस्तों मैं कुछ डिस्क्वालिफिकेशन के रूल्स आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप ये है तो आप इसमें नहीं भरे दोस्तों। ऐसा पुरुष जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हो और फिर वो ऐसा कोई शादी वगैरह कर रखा है तो वो दोस्तों डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा इसमें, वो फॉर्म नहीं भर सकता, इस बात का ध्यान रखें। और इस नियम से छूट भी दी जा सकती है अगर कोई योग्य कारण आपके अगर कोई है तो दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं ऐसी महिला जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया जिसकी पत्नी जीवित है और नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा, लेकिन किसी महिला इस नियम की कार्रवाई से छूट भी दी जा सकती है अगर सरकार अगर संतुष्ट हो उसके विशेष अधिकार से दोस्तों, वही पुरुष और महिला के लिए बात है। अब दोस्तों कोई भी विवाह यदि नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा यदि विवाह के समय उसने कोई दहेज लिया है तो, दहेज वाला व्यक्ति इसमें पात्र नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। और अब बात कर लेते हैं 2 बच्चों दोस्तों 1/6/2002 के बाद में अगर आपके 2 बच्चे हैं और नियमों में बढ़ोतरी अगर सही कारण से उसमें नहीं हो रही है तो दोस्तों आप इसके मान्य नहीं होंगे, केवल
ध्यान रखें कि जो ट्विन्स बेबी है उसमें ये नियम थोड़ा सा रूल्स इसमें छूट दी गई, बाकी आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ऐसा कोई उम्मीदवार जिसने अपने आप को अन्य व्यक्ति होना बताया, मतलब काट छाट करते हुए जाली दस्तावेज ये सारी चीजें वो सारी बातें मतलब ऐसा करके है, वो मुकदमा उसमें चला गया सारी चीज हुई, तो वो दोस्तों इसमें भर नहीं पाएंगे। तो ये पांच बातें जरूर ध्यान रखें, ये आपके पास मतलब आप इसके अंदर नहीं आ रहे हो नहीं तो आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। आगे बढ़ाते हैं दोस्तों, अब अगला वीडियो जो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ, वैसे मैंने इसके सिलेबस का वीडियो दो तीन बार डाल चुका हूँ, लेकिन जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है तो इसका अगला वीडियो जिसमें आप सिलेबस जरूर देखेंगे मैं आपको बताने वाला हूँ। ये पोस्ट के बारे में सारी डिटेल थी दोस्तों, ये पूरा वीडियो आपने यहाँ तक देखा उसके लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों एक लाइक जरूर बनता है और कमेंट करके जरूर लिखे, और वीडियो इसी तरह के आते रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों हम कंप्यूटर की तैयारी भी करवाते हैं और जिसमें मैं सवाल क्वेश्चन वगैरह डालता रहता हूँ, तो आप वो भी इंजॉय कर सकते हैं, वो भी आप ले सकते हैं।